रुख करेंगे लाहौर का। चौधरी परवेज इलाही को जेल में बी क्लास देने की दरख्वास्त पर समाप्त हुई है। चौधरी परवेज इलाही को जेल हुकाम की जानिब से अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने कल के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईजी जेल खानाजात को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने केस पर समाअत की थी। आपको आगाह कर रहे हैं, परवेज चौधरी के केस के हवाले से अदालत के रूबरू परवेज इलाही का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे एसी क्या बल्कि वॉशरूम भी इसी है जहां पर मैं कैद हूं। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे असर शाह से। जी असर शाह, आगाह कीजिएगा, परवेज इलाही के केस के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी जेल में बी क्लास देने के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं आप पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर दरख्वास्त को समाप्त करके मुकर्रर करते हुए मौजूद अदालत ने पुलिस को साबिक वज़ीर-ए-आला को 4 बजे रूबरू अदालत के पेश करने का हुक्म दिया था। आज पुलिस की जानब से, जेल हकाम की जानब से चौधरी बारी पुलिस की नफरी के हमरा लाहौर हाईकोर्ट में रूबरू अदालत के पेश किया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट की जानब से अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि जेल में रूम कूलर की सहूलत मौजूद है। आपके अदालत ने चौधरी परवेज इलाही से इस्तफसार किया कि आप कस्टडी में कब से हैं। चौधरी परवेज इलाही ने जवाब दिया कि मैं 1.5 माह से कस्टडी में हूं। अदालत ने पूछा कि आपको कोई मसला है। चौधरी परवेज इलाही का जवाब था कि वहां मसाइल ही मसाइल हैं, वहां से पंखा तक उठा लिया गया है, बी क्लास इस जेल में मौजूद ही नहीं, मेरे पांव फूल गए हैं, मुझे सर्विस अस्पताल में दाखिल कर दे तो बेहतर है। ने पूछा आप बताएं आपको क्या सहूलत दी जाए, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने जवाब दिया कि मुझे भी चेयरमैन तरीके इंसाफ या शाह महमूद कुरैशी की तरह जो है जमानत दे दी जाए। मैं आपको बताता जाऊं कि अदालत ने दोनों फ्री कैन के वकला के दलायल सुनने के बाद जो है कल तक समाअत मुलतवी कर दिया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जेल खानाजात को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने केस की समाअत की है। चौधरी परवेज इलाही ने जो अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराया।